अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और रेशम को देख लें जी, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश लग रही है। तो इसका रीज़न है जी, रेशम आज जाएगी बस पे शॉपिंग करने के लिए, और इस वजह से जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही है और यहाँ पे खड़ी होकर बस का वेट कर रही है। बस अभी थोड़ी देर में आएगी, तो आज रेशम से भी हम लोग पूछते हैं कि रेशम आप क्या क्यों आई हो यहाँ पे, क्या करना है? नहीं, आपने बस पे जाना है? बस पे बैठना रेशम को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से फिर आज हमने सोचा कि आज हम अपनी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, आज हम लोग बस पे जाएंगे। तो ये जनाब यहाँ पे हम जो है वो वेट कर रहे हैं, और ये हमारा जो है वो बस स्टॉप है, यहाँ पे बस आके रुकेगी और फिर जनाब हम यहाँ से बैठकर तो हमारे करीब जो शहर है हम लोग वहाँ पर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आई होप कि आज रेशम को भी बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रेशम को लेकर फर्स्ट टाइम जो है वो मैं इस तरह से ट्रैवल करूँगी, और आज काफ़ी जो है वो मज़ा आने वाला है। और रेशम देख लें कि बहुत ही ज़्यादा ना एक्टिविटी में बिज़ी है, और उसने कहा कि हमारे पास थोड़ा टाइम है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा खेल लूँ। रेशम आप हेलो कर दो सबको। बसेज यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, बच्चों के बैठने के लिए अलग से जगह, और जो है वो उनके स्ट्रोलर पार्क करने के लिए भी जो है वो एक स्पेसिफिक जगह उन्होंने रखी है, ताकि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। लें जनाब, हम लोग मेन बाज़ार आ गए हैं जहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो रेशम जो है वो थोड़ा सा थकी हुई थी, इस वक्त जो है वो थोड़ी नैप लेती है, तो इतनी देर में उठ जाएगी, तो फिर हम जो है वो बारी बारी शॉप्स को विज़िट करेंगे। ले जी, हम शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं, और आज मैंने सोचा कि हम लोग विंडिक्स पर चलते हैं, यहाँ की काफ़ी अच्छा जो है वो ब्रांड है। ऊपर लेडीज़ का पोर्शन है और बच्चों के लिए उन्होंने बेसमेंट में जो है वो बनाया हुआ है एक अलग से पूरा जो है वो पोर्शन, वो सारा बच्चों का है। तो सर्दियों के ज़्यादातर कपड़े जो है वो मैं यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी देर देर तक जो है वो कपड़े चल जाते हैं। तो मैं तो हमेशा एक साइज़ जो है वो बड़ा ले लेती हूँ, तो फिर जो है वो सीज़न आराम से निकल जाता है। तो इनके पास अच्छी कलेक्शन है, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि यूरोप में जो है वो कलर जो है वो कलर स्कीम आपको काफ़ी लिमिटेड मिलती है, और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो यहाँ पर बहुत कम कम नज़र आते हैं, लेकिन जब नज़र आते हैं तो हम लोग फ़ौरन ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो यहाँ पर नहीं मिलते। इस दफ़ा मैं थोड़ी सी सरप्राइज़ थी कि काफ़ी कलर्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, नहीं तो यूजली पूरे स्टोर में आपको 3 से 4 कलर ही नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलर कलेक्शन है इनके पास। अपने साथ लगा के देखो रेशम, अच्छा मुझे शौक़ होता है कि मैं रेशम के लिए जो है ना वो ब्राइट ब्राइट और कलरफुल से कपड़े जो है ना वो ले लूं, लेकिन पता नहीं जो रेशम है उसको जो है वो डार्क डार्क कलर जो है वो ज़्यादा पसंद करती है, जैसे ब्लैक हो गया, पीच हो गया और टी पिंक हो गया, और इस तरह के शेड जो है ना इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ब्लू हो गया।
तो ये मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि यूजुअली लड़कियों को जो है वो ब्राइट कलर्स जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बजीद होती है ब्लैक लेने के, और इसने फिर जो है वो जिद कर ली वहाँ पे, तो फिर ब्लैक और पीच जो है वो मैंने जो है इसकी पसंद का जो है वो इसको दिला दिया कि भाई बाद में कोई जो है वो टेंशन ना बने, क्योंकि फिर बच्चे बहुत शोर करते हैं पहनते टाइम कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये पहनना है, हमें ये नहीं पहनना। तो बस ठीक है, ज़्यादा कपड़े नहीं ख़रीदने थे मुझे, बस रेशम के लिए जो है वो घर पे यूज़ करने के लिए जो है वो कुछ कपड़े मुझे लेने थे, क्योंकि अब यहाँ पे जो मौसम है वो एकदम से चेंज हो गया, और बस फिर अभी फुल स्लीव्स की ज़रूरत पड़ गई हमें, क्योंकि बाहर भी निकलो तो ठंड लगती है अब, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की। लेकिन इनकी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, मे बी अभी इनकी और भी न्यू कलेक्शन आएगी सर्दियों के हवाले से, और ये हमें मिल गए, अच्छे मिल गए कपड़े। लेकिन इनकी प्राइजेज़ जो है वो थोड़ी सी जो है वो हाई होती हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो एक्सेसरीज़ भी हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करके, आप पिन्स पोनीज़ और हेयर बैंड्स वगैरह ये सब कुछ भी जो है वो आप साथ में मैचिंग करके इधर से ही ले सकते हो। ये इनका ट्रायल रूम है, और एक बच्चा ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए गया, तो फिर रेशम ने भी ज़िद कर ली कि मैं भी उधर ही जाके ट्राई करूँगी, तो फिर इसने भी वहाँ पे जाके ट्राई किया, तो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं भी जो है वो ट्रायल रूम में आके तो ट्राई कर रही हूँ। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो है ना न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं ना, उनकी इतनी प्यारी कलेक्शन थी, बहुत ही छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े, और वैसे इस दफ़ा तो कलर्स के हवाले से कमाल ही कर दी बस इन्होंने कि इतने ज़्यादा जो है वो कलर वेरिएशन ये लेकर आया अपनी कलेक्शन में, तो बहुत ही जो है वो इस दफ़ा खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि जो है वो हर दफ़ा आते थे तो बस ऐसे डल डल से कलर, और बस वही ब्लैक वही ब्राउन वही ग्रे और बस यही सब कुछ ना, लेकिन इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ऐसे रिफ़्रेशिंग लगा आँखों को भी। और इनकी जो लेडीज़ कलेक्शन है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और उसकी भी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल इनके प्राइजेस जो है ना वो दूसरे ब्रांड से जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इनका कपड़ा भाई क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें बच्चे बड़े बिल्कुल भी ना, तो उनके कलर जो है वो ख़राब होते हैं और ना ही कपड़ा जो है वो ख़राब होता है और ना ही श्रिंग होता है, कपड़ों के साइजेस भी बहुत ही एक्यूरेट आते हैं बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो मैं अपने भी अक्सर कपड़े जो है वो यहाँ से मैं लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छी शॉप है ये। तो आई होप कि आपको जो है वो आज की हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।